नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है, जिसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। अब जो नंबर दिया है उसका हमने वर्गमूल करना है भाग विधि से, मतलब डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2304 ये नंबर है हमारे पास। तो जब हम डिवीज़न मेथड लगाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर्स, तो पीछे से पेयर्स जब बनेंगे तो 04 का पेयर बन जाएगा और 23 का पेयर बन जाएगा। अब हमने लेना स्क्वायर नंबर, ठीक है, 5 5 25 होता है, 25 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 4 4 16, ठीक है। तो 23 में से 16 को माइनस किया तो आ गया 7। अब ये 04 नीचे उतारेंगे, 4 + 4 कितना होता है 8, इनको प्लस करना है, यहाँ पे 8 आ गया। फिर 8 के साथ हमने करना है 8 8 के साथ, 1 8 ऊपर लगा देना, 1 8 नीचे लगा देना है, तो कितना हो जाएगा 704। तो 48 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, वर्गमूल, ठीक है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी देखो क्या है, वर्गमूल ज्ञात करें 27,225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके भी पेयर बनाओ पीछे से, 25 72 और 2 2 बच गया हमारा, तो स्क्वायर नंबर आएगा 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 72 नीचे उतारा और ये 1 + 1 2 यहाँ आ गया। तो अब करेंगे 6 6 के साथ हम, 6 1 नीचे 1 ऊपर, तो कितना होता है 156। तो ये माइनस होगा जब 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 1, 25 नीचे उतारा। अब 26 में ये 6 प्लस करना अपना, तो वो होता है 32। 32 में फिर उसको हम करेंगे 5 5 के साथ, तो आ जाएगा 1625, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 165। चलो नेक्स्ट नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है, उसका वर्गमूल भी ऐसे ही करना है, पेयर बनाने हैं, 7 बच गया, तो स्क्वायर नंबर आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर आ गया। 29 नीचे उतारा, 2 2 4 होता है, 7 7 के साथ करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा आपका 329, तो आंसर क्या आएगा 2.7।